हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जहां एक तरफ चुनावों के चलते सियासी सफर में रफ्तार पकड़े हुए हैं, तो वहीं धार्मिक आस्था के साथ साथ मुख्यमंत्री नैब सैनी मंदिर गुरुद्वारे में भी पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। बुधवार को भी मुख्यमंत्री नैब सैनी सिरसा दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री सबसे पहले श्री तारा बाबा कुटिया पहुँचे, जहाँ उन्होंने पूजा आराधना की। इसके बाद मुख्यमंत्री नैब सैनी गुरुद्वारा चिल्ला साहिब पहुंचे, जहां सिख संगत ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के बिजली मंत्री रंजीत सिंह, सरदार मनजिंदर सिंह, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं सिख संगत की ओर से मुख्यमंत्री नैब सैनी का पगड़ी पहनाकर और सिरोपा पहनाकर अभिनंदन भी किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री नैब सैनी डेरा बाबा भूमन शाह पहुंचे, जहां शहीद उधम सिंह शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में शिरकत की और शीश भी नवाए। हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है, जिस पवित्र भूमि पर गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण इस भूमि के ऊपर पड़े हो, और जिन्होंने इस भूमि के ऊपर 40 दिन रह करके यहाँ तपस्या की हो, उस भूमि के ऊपर एक भव्य गुरुद्वारा चिल्ला साहिब उनकी याद के अंदर यहाँ स्थापित हो, तो ये श्रद्धालुओं की भी लंबे समय से एक मांग थी कि जिस इस भूमि के ऊपर गुरुद्वारा चिल्ला साहिब स्थापित है और जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी के चरण कमल यहाँ पर पड़े हों, हमने ये निर्णय कैबिनेट के अंदर लिया कि इस भूमि को गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम सह सम्मान को दी जाएगी। और आज यहाँ पर अखंड पाठ का आयोजन यहाँ पर किया गया था, आज मुझे यहाँ पर शीश नवाने का अवसर मिला है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि आज गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में जहाँ गुरु नानक देव जी के चरण कमल पड़े हो, वहां पर शीश नवाने का मुझे अवसर। अभी एक बड़ा कार्यक्रम, वो हमारे देश के रण बांकुरे जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए अपने आप को आहूत किया है, ऐसे महान हमारे क्रांतिकारी नेता, हमारे क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जी की आज शहीदी दिवस है, उस कार्यक्रम के अंदर भी मैं अभी शामिल होने के लिए जा रहा हूं। मैं आज शहीद उधम सिंह जी को आज उनकी शहीदी दिवस के ऊपर नमन करता हूं, उनको याद करता हूं, और ऐसे महान क्रांतिकारी वीरों के जीवन से आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलती है कि जिन्होंने अपने लिए नहीं, इस भारत भूमि की रक्षा के लिए इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया। हमारी पूर्ण तैयारियां हैं, हमारी सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ बन रही है, और यहाँ भी शिक्षा की सभी विधानसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर खिलेंगी, ये यहाँ के लोगों ने निर्णय कर लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर कहा कि जिन रणबांकुरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए हों, ऐसे वीर बलिदानों को हम नमन करते हैं। ऐसे महान क्रांतिकारी वीर जवानों की जीवनी से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो वहीं विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी तैयारी पूरी है और सिरसा समेत प्रदेश में बीजेपी बहुमत से जीत हासिल करेगी। सिरसा से सूर्य समाचार के लिए सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट।